हे गाइस वेलकम, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आ गया हूँ फिर एकदम न्यू सीरीज के साथ। इसका नेम है इनटू द नाइट। ये नेटफ्लिक्स में अभी 2020 1 मई को रिलीज हुई है और इसकी स्टोरी मुझे काफ़ी पसंद आई क्योंकि यूनिक टाइप की स्टोरी है। तो आज हम इसी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज फ्रेंच में है, लेकिन टेंशन नॉट, मैं हिंदी में ही बताऊंगा। और छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूं, तो बेसिकली ऐसा होता है कि सूरज की रोशनी से हर कोई इंसान मर रहा होता है, तो उससे कैसे बचता है एक ग्रुप जिसमें हर कोई एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर होता है और वो लोग सूरज की रोशनी से भाग रहे होते हैं। बोला था ना कुछ यूनिक है। तो चलिए छोटा सा इंटर देखते हुए शुरू करते हैं। और आप सबको कुछ नहीं करना है, यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। और मैं आपको अभी से सारे कैरेक्टर्स का इंट्रो दे देता हूँ। सबसे पहले सिल्वी, ये इस सीरीज में मेन लीड रोल में है और इसके बॉयफ्रेंड की रिसेंटली मौत हुई होती है। फिर ये है आइनेस, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है और बाकी सीरीज में इसका कोई काम नहीं है। और ये है अयाज, इसका शिपिंग का काम होता है और इसके काफ़ी तगड़े सीक्रेट्स हैं जो आगे पता चलेंगे। ये है मैथ्यू, ये प्लेन का मेन पायलट होता है, कैप्टन बोल सकते हो। देन ये है तेरेंजियो, फ्रेंच यार, इसके बारे में मैं स्टोरी में बताऊंगा आगे। ये लॉरा है और ये एक नर्स होती है। और अब बाकी जो कैरेक्टर्स आते रहेंगे मैं उनको इंट्रोड्यूस करता रहूंगा। सो एक एयरपोर्ट में ये सब लोग होते हैं और एक दूसरे को कोई नहीं जानता है और सब वन बाय वन मॉस्को के फ्लाइट का टिकट ले रहे होते हैं और सबकी अपने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं, जैसे कि एक लेडी के बच्चे को कैंसर होता है तो उसको जल्द से जल्द मॉस्को जाना होता है। और वहां फिर एकदम हड़बड़ी से तेरेंजो आता है और ये मॉस्को के फ्लाइट के लिए बोलता है, बट ये काफी लेट होता है तो उसको टिकट नहीं मिल पाता। और टीवी में दिखाया जाता है कि एपोकलिप्स जैसा कुछ चल रहा है दुनिया में। और फिर सब लोग जब प्लेन में बैठ जाते हैं और कुछ लोग बाहर होते हैं जैसे एयर होस्टेस और को पायलट, और फिर तेरेंजो एक सिक्योरिटी गार्ड की गन छीनकर भाग के प्लेन के अंदर चला जाता है। एक तरीके से ऐसा लग रहा होता है कि वो प्लेन को हाईजैक कर रहा है। और फिर ये पायलट के पास जाता है और उससे प्लेन टेक ऑफ करने को बोलता है, बट फिर थोड़ी हाथापाई से पायलट के हाथ में गोली लग जाती है। और फिर तेरेंजो बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, अगर हम जल्दी नहीं निकले तो सूरज की रोशनी से सब मर जाएंगे। और फिर को पायलट के बिना प्लेन टेक ऑफ नहीं हो सकता। तेरेंजो बाहर जाकर पूछता है कि प्लेन किसको चलाना आता है। सो सिल्वी बोल देती है कि उसने हेलीकॉप्टर चलाया है, उसको हेलीकॉप्टर चलाना आता है। सो वो को पायलट बनती है और प्लेन को ये उड़ा ले जाते हैं। और तेरेंजो बोलता है कि हमको सिर्फ वेस्ट की साइड जाना है ताकि सूरज से जितना दूर रहे उतना अच्छा। और फिर बाहर के लोगों में बहुत डर बैठ चुका होता है कि ये क्या हो रहा है। और फिर तेरेंजो सिल्वी को बताता है कि सूरज की रोशनी से लोग मर रहे हैं, तो पायलट और सिल्वी उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, बट उनको तेरेंजो के कहने पर चलना पड़ता है क्योंकि उसके हाथ में गन होती है। और मैथ्यू पैसेंजर्स को बताने के लिए मना करता है और सबको बोलता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कोई भी पैनिक मत होइए, ताकि ऑब्वियसली कोई पैनिक ना हो और कुछ गलत ना कर दे। और फिर उस नर्स को लाते हैं लॉरा को, ताकि वो मैथ्यू के हाथ का मरहम पट्टी कर सके। और वो सुन लेती है इन लोगों के बीच में वो सनराइज की जो बातें चल रही होती हैं। सो वो बाहर जाकर अयाज को बताती है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर वहाँ एक लड़का होता है जिसकी तबीयत स्टार्ट से ही खराब लग रही होती है। उसके बगल वाले को रिचर्ड जो होता है उसको ये आतंकवादी लग रहा होता है, बट कुछ टाइम बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो एक बंदे के कान में बोलता है कि उसने डायमंड्स निकल लिए हैं। और फिर उसकी वहीं मौत हो जाती है। और तभी आयाज चलाकी से तेरेंजो की गन छीन लेता है और उससे पूछता है कि क्या कर रहे हो ये सब। गन पॉइंट में पूछता है तो उसको सब कुछ बताना पड़ता है और कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता। उसको बाथरूम में लॉक कर देते हैं ये लोग। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जो एयरपोर्ट आएगा वहां ये लोग लैंड करेंगे और पुलिस वालों के हवाले कर देंगे इसको। बट फिर जब लैंडिंग का टाइम आता है और इन सबको जमीन दिखती है तो इनकी फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि बाहर का माहौल सच में एपोकलिप्स वाला होता है। इनके पास उस एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं होती, सो ये लोग फिर लैंड नहीं कर पाते और हवा में उड़ते रहते हैं। और फिर सबको यकीन हो जाता है कि तेरेंजो झूठ नहीं बोल रहा था, तो उसको ये लोग बाथरूम से बाहर निकालते हैं और नेक्स्ट प्लान का साथ में डिसाइड करते हैं और फिर से वेस्ट की तरफ जाने के लिए बोलते हैं। बट इनके पास इतना फ्यूल नहीं होता, सो इनको जल्दी से ही कहीं लैंड करना पड़ता है। और सिल्वी की मदद से कैप्टन प्लेन को एकदम सही सलामत लैंड करा देता है। और वहां सब उतरते हैं और सबके फोन में इंटरनेट स्टार्ट होता है और सबको न्यूज मिल जाती है कि दुनिया की लगी पड़ी है। और वहां कुछ इंग्लिश सोल्जर्स टाइप के तीन लोग आते हैं और वो भी इनको बताते हैं कि सब मर रहे हैं और हम सबको तुरंत यहाँ से निकलना होगा। पर इनमें से कुछ लोग जाने के लिए राजी नहीं होते, इनको लग रहा होता है कि सब प्रैंक चल रहा है, यही कोई कैमरा लेके खड़ा होगा। मतलब दुनिया खत्म हो रही है तो पैनिक तो लोग होते ही ना, अब 2020 को ही देख लो, मजाक था। और फिर ये लोग जितनी सप्लाईज हो सकती थी उतनी बटोरते हैं और अयाज उस लड़के जो मर जाता है उसकी बॉडी को दफन करने के लिए बोलता है और फिर उसको दफन भी करता है। और फिर ये लोग बिना टाइम वेस्ट करिए फटाक से फ्यूल भरते हैं और वेस्ट साइड की तरफ निकल लेते हैं। और फिर प्लेन में ना इंटरनेट वर्क कर रहा होता है और ना रेडियो, सो ये लोग उसको सही करने में लग जाते हैं। और इन सोल्जर्स लोगों की हेल्प लेकर ये लोग इंटरनेट सही कर देते हैं। और फिर यहाँ पर लोगों की आपस में बॉन्डिंग बनने लगती है, अब साथ में रहेंगे तो दोस्ती तो होगी। लेकिन तेरेंजो को बहुत लोग पसंद नहीं करते उसके एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि उसको बॉस जैसा बनना अच्छा लगता है। और फिर सब अपने फोन में लग जाते हैं, इंटरनेट में न्यूज़ देखने लगते हैं और अंदाजे भी लगाने लगते हैं कि आखिर क्या चल रहा है इस दुनिया में। तो उनको लगता है कि यह कोई गामा रेडिएशन का इफेक्ट है शायद, और इस सीजन में इसका कुछ नहीं बताया गया कि क्या चल रहा है, सीजन 2 में बताया जाएगा।
तो वो जब भी रिलीज होगा सबसे पहले मेरे चैनल पे उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और स्टोरी पे आते हैं तो फिर अयाज इंटरनेट की न्यूज पढ़ रहा होता है तो उसको पता चलता है कि तीन लोग जो इनके प्लेन में आए हैं वो क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं। तो अयाज ये बात सिर्फ जाकर सिल्वी को बताता है और फिर प्लेन में एक एज्ड पर्सन भी होते हैं और एक क्रिमिनल के शैंपेन की बोतल खोलने की वजह से उनको लगता है किसी ने गन चलाई तो वो एकदम से पैनिक हो जाते हैं और वो भागने लगते हैं। फिर सर के बल गिरने की वजह से उनकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इस बात को बताना कोई ज़रूरी नहीं था लेकिन बता दिए पता नहीं क्यों। और इनकी आपस में बहस होने लगती है और क्रिमिनल वाली साइड का बंदा गन निकाल लेता है जिसकी वजह से माहौल में बहुत गर्माहट हो जाती है। और फिर उसका दोस्त उसको समझाता है कि यहाँ मत ऐसा करो, हम लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं। और फिर सिल्वी बड़ी चलाकी से पायलट को भी बता देती है कि लोग क्रिमिनल्स हैं, हमको कुछ भी करके इन लोगों को बाहर निकालना होगा यहाँ से। और फिर ये लोग नेक्स्ट एयरपोर्ट में लैंड करते हैं और प्लान बनाते हैं कि इन तीनों को कहीं दूर सप्लाईज लेने के लिए भेज देंगे और हम लोग जल्दी से टेक ऑफ कर लेंगे। बट वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ जरूर है, सो वो उनमें से ही किसी को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। तो जेकब और एयर होस्टेस उनके साथ जाते हैं जिसमें से सिर्फ जेकब को ही पता होता है कि वो क्रिमिनल्स हैं। और फिर ये लोग जाते हैं और इस साइड कैप्टन सबको बता देता है कि वो क्रिमिनल्स हैं और ये लोग जल्दी जल्दी सारी सप्लाईज लूटें। और जेकब मौका देख के उनको लॉक करके वहां से भाग जाता है, बट जल्दी जल्दी में एयर होस्टेस वहीं रह जाती है और ये लोग इन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। और जैसे ही जेकब आता है और बताता है कि लेडी नहीं आ पाएगी तो लोग तुरंत टेक ऑफ करते हैं और वो लोग भी पीछे से इनका गाड़ी से पीछा कर रहे होते हैं और शूट भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर ये लोग टेक ऑफ कर जाते हैं। और फिर ये कैप्टन नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड करता है, बट यहाँ तेरेंजो का कहना था कि अब हमारे सारे फैसले को इंडिविजुअल नहीं लेगा, हम सबको मिल बांट के डिसाइड करना पड़ेगा। और फिर इस बात पे कोई काफी बहस होने लगती है और फिर अचानक से रेडियो से कुछ कनेक्शन बनने लगता है और उसमें से आवाज आती है, तो ये लोग उसकी बात सुनते हैं जाकर, तो पता चलता है कोई अंडरवाटर शिप से कांटेक्ट हुआ है और उनको पता लगता है कि कोई कहीं पर किसी जगह पर कोई बंकर्स बनाए जा रहे हैं जहां पर लोगों को रखा जा रहा है जिंदा और उनको खाना पानी भी दिया जा रहा है। तो ये लोग फिर उसकी सर्च में लग जाते हैं और फिर हम लोगों को कैप्टन का बिहेवियर में चेंजेस दिखने लगते हैं, जैसे कि वो बहुत गुस्सा होने लगा है और शांति से बात नहीं कर रहा है जैसे वो पहले कर रहा था। और फिर एक प्रॉब्लम आती है कि कॉकपिट में अपने आप कुछ एरर वाले साइरन्स बजने लगते हैं, बट प्लेन में ऐसा कोई इशू नहीं दिख रहा होता। फिर कैप्टन फाइनली समझ जाता है कि ये सारे एरर्स लैंडिंग गियर से आ रहे हैं, इसका मतलब कि लैंडिंग गियर वाले रूम में कुछ लैंडिंग गियर्स को टच कर रहा है। और फिर वो समझ जाता है कि उन तीन सोल्जर में से कोई एक टेक ऑफ करने के टाइम लैंडिंग गियर के रूम में घुस के बैठ गया होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही लोगों के बैठने की जगह है। और अभी इनके लिए एक नई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैप्टन सबको बताता है जाकर। और मेन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उसने गियर्स के साथ कुछ भी खिलवाड़ किया तो लैंडिंग के टाइम नहीं खुलेंगे तो ये सब मर जाएंगे, इसलिए उसका लैंडिंग के पहले कुछ करना होगा। ये लोग हवा में ही लैंडिंग गेट्स ओपन कर देते हैं ताकि वो नीचे गिर जाए, बट वो किसी तरह बच जाता है। और फिर एक विंडो चटक जाती है और फिर ज्यादा प्रेशर आने से वो पूरी टूट जाती है, सो एकदम से सबकी ऐसी तैसी हो जाती है। लेकिन फिर जेकब विंडो को कवर कर देता है तो सब ठीक हो जाता है और उस कैंसर वाले बच्चे का ऑक्सीजन इक्विपमेंट खराब हो जाता है, तो अयाज उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देता है और अयाज और उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। और अब उस क्रिमिनल को निकालने के लिए एक ही रास्ता बचता है कि किसी को वहां जाकर उससे निपटना पड़ेगा। और ये लोग डिसाइड करने जाते हैं कि कौन जाएगा, बट इनकी डेमोक्रेसी सही से काम नहीं कर रही होती और फिर बहस होने लगती है तेरेंजो की वजह से। और फाइनली जेकब, तेरेंजो और अयाज वहां जाते हैं और रूम को काटते हैं और वो बंदा तेरेंजो को पकड़ लेता है और उसका हाथ काटने लगता है, बट अयाज उसको शूट कर देता है और तेरेंजो को बचा लेता है। और फिर जब ये लोग ऊपर आते हैं तो बाकी सब अयाज को घेर लेते हैं, क्योंकि एक बंदे को अयाज की चीजों में डायमंड्स मिले होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये वही डायमंड से जो बंदा निकल के मर गया था। और फिर अयाज सबको अपना सीक्रेट बताता है कि ये उसका काम है, वो डायमंड्स की शिपिंग करता है इस मेथड का यूज करके। तो लोग वहां वोट करते हैं और उसको भी क्रिमिनल समझकर उसको हैंडकफ करके रख देते हैं। और फिर जब नेक्स्ट एयरपोर्ट में लैंड करते हैं तो सारी सप्लाई फिर से भरते हैं और वो टूटी विंडो को फिक्स करते हैं और फिर आते हैं सब अयाज पे। और अब यहां सब कुछ वोटिंग पे हो रहा होता है, फिर रिचर्ड के कहने पर उन क्रिमिनल्स की तरह इसको भी यहीं छोड़ दो और इस पे वोटिंग होती है, बट अयाज का काम होता है ये और ये जबरदस्ती किसी को नहीं मारता, वो अच्छा इंसान होता है, वो हेल्प करता है दूसरों की और उसने तेरेंजो की भी जान बचाई होती है, सो तेरेंजो वोट नहीं देता और उसको साथ चलने को बोलता है। और यहाँ तेरेंजो अपने कुछ राज बताता है कि वो पहले डिफेंस में वर्क करता था और वहीं से उसको इस सनराइज की प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है और वो वेस्ट में ब्रुसेल्स नाम की जगह जाने के लिए बोलता है जहाँ से सारी स्टोरी शुरू हुई थी, क्योंकि वो वहीं था और उसने सुना था उन लोगों को कि शेल्टर बनाए जा रहे हैं जहाँ लोगों को रखा जाएगा, बट वो ये नहीं सुन पाया था कि वो शेल्टर्स एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। सो वो वापस उस जगह जाना चाहता है ताकि उसको कोई क्लू मिले कि शेल्टर कहाँ पर हैं। और वो बोलता है कि अयाज आगे काम आ सकता है, सो वो लोग उसको वापस प्लेन में ले जाते हैं। और फिर ये लोग ब्रुसेल्स जाने के लिए निकलते हैं और फिर एक बंदे को पता चलता है कि सोलर रेस से सिर्फ इंसान को ही फर्क नहीं पड़ता, फूड भी खराब हो रहा है। और ये सच था, क्योंकि ये लोग उसको खाते तो उसका टेस्ट अलग लगता था, उसको खाने से बॉडी में कोई एनर्जी भी नहीं आती थी और साथ में फ्यूल को भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो इनको अब सही फ्यूल ढूंढ के प्लेन में डालना होगा। तो ये सारी बातें सुनकर कैप्टन एकदम भड़क जाता है, एकदम पागल सा हो जाता है, वो प्लेन को एकदम कभी हाई ले जाता है तो कभी लो ले जाता है
और वो सारी गलत बातें कर रहा होता है, जैसे कि हम सब मर जाएंगे, कोई फायदा नहीं है ऐसा करने का। और सिल्वी समझ रही होती है कि कुछ गड़बड़ है कैप्टन के साथ, तो वो अयाज को बताती है और अयाज उसको उठा के ले जाता है इससे पहले कि वो हम सबको मरवा दे। और इतने प्रेशर की वजह से कैप्टन की मेंटल स्थिति थोड़ी बिगड़ गई होती है और उसके हाथ में जो चोट लगी थी इसकी वजह से कोई साइंटिफिक चीज हुई थी उसकी बॉडी के साथ, जो वो नर्स समझ जाती है। और फिर वो बाथरूम जाता है और वहां पर बेहोश हो जाता है। और फिर रेडियो से आवाज आने लगती है और ये लोग उसको डिकोड करते हैं, तो पता चलता है कि कोई अदर साइड वाला स्पेस से बात कर रहा है। भैया अलग लेवल की चीजें हो रही हैं, लेकिन किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया गया है। सीजन 2 का वेट करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ। और फिर मेन पायलट तो चला गया है, तो सब लोग सिल्वी की तरफ देखने लगते हैं कि अब वही है जो उनकी जान बचा सकती है, क्योंकि बाकी किसी को प्लेन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और सिल्वी ने भी सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाया होता है, वो बहुत डर डर के यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के प्लेन को लैंड कराने का ट्राई करती है और काफी प्रॉब्लम्स के बाद सही सलामत लैंड भी करा लेती है और सब उसको अप्रिशिएशन देते हैं। और फिर अब इनके पास बहुत काम होता है, उस नर्स को मैथ्यू को लेकर हॉस्पिटल जाना होता है और उसका मिनी ऑपरेशन करना होता है, और इन लोगों को अच्छा खाना और फ्यूल ढूंढना होता है जो एकदम सही हो, और तेरेंजो को उन शेल्टर्स का पता लगाना होता है कि वो कहाँ है। और फिर ये सब अपने अपने मिशंस में निकल जाते हैं। और सिल्वी का एक छोटा सा सीक्रेट ये होता है कि वो मॉस्को की फ्लाइट में इसलिए जा रही थी ताकि वो वहां जाकर सुसाइड कर सके, क्योंकि उसका बीएफ मर गया था और वो इस दुनिया से हार गई होती है। तो जेकब ये बात जानता था और इसको इस बात की टेंशन लगी होती है कि सिल्वी कोई गलत कदम ना उठा ले। और ये ब्रुसेल्स में होते हैं और ये वही जगह होती है जहाँ से स्टोरी शुरू हुई होती है, मैंने बताया था आपको। ये लोग शायद वेस्ट घूम घूम कर वापस इसी जगह में आ गया सूरज के साथ रेस लगाते लगाते। अब लॉजिक ना पूछना, जो भी हो कमेंट में डाल देना, मैं बता दूंगा। और फिर मैथ्यू का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं ये लोग, और जेकब को भी फ्यूल मिल जाता है और वो फ्यूल लेके आता है, और सिल्वी अकेले पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। सो जैसे जेकब को पता चलता है तो वो समझ जाता है कि वो कहाँ गई होगी, और वो अपने घर जाती है और जेकब भी वहाँ जाता है और उसको समझाता है। और इस साइड अयाज और तेरेंजो में भी बहस हो जाती है और हाथापाई तक हो जाती है, और धोखे से तेरेंजो अयाज के सर में बहुत तेज मार देता है और अयाज जमीन पे गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। तो तेरेंजो को ऐसा लगता है कि वो मर गया, सो वो बहुत डर जाता है और वापस रिचर्ड के पास जाता है। और रिचर्ड रिकॉर्डिंग सुनकर पता लगा लेता है कि शेल्टर्स की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, और वो कैमरे में देख लेता है कि अयाज मरा हुआ पड़ा है, बट वो इतना डर गया था कि वो कुछ कह नहीं पाता। और फिर ये सब वापस प्लेन में आते हैं, कैप्टन भी एकदम सही सलामत हो गया था, एकदम फॉर्म में आ जाता है और वो वापस प्लेन स्टार्ट करता है। इनके पास टाइम बहुत कम होता है क्योंकि सूरज निकलने वाला होता है और अब इनको शेल्टर जाना होता है। तो ये सब रेडी हो जाते हैं, बट किसी को अयाज नहीं दिख रहा होता है, बट टाइम लिमिटेशन की वजह से इनको टेक ऑफ करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ये टेक ऑफ करने वाले होते हैं, सामने कार लेकर खड़ा हो जाता है अगर अपना अयाज, और फिर ये लोग उसको अंदर लेते हैं और फिर ये लोग फाइनली टेक ऑफ करते हैं। और तेरेंजो ने जो किया था उसकी वजह से उसको अब हैंडकफ करके उसी जगह रख देते हैं जहां अयाज को रखा गया था। और अब इनके पास सिर्फ एक ही प्लान होता है कि हम जैसे लैंड करेंगे वहां कोई कार ढूंढेंगे और शेल्टर की तरफ भागेंगे। और अयाज के सर पे चोट लगी होती है, उसकी हालत सही नहीं होती है, और सिल्वी तगड़ा भाषण देती है इन सबको, जिससे ये सब मोटिवेट तो नहीं होते पर इनकी फटके चार जरूर हो जाती है, क्योंकि वो बोलती है कि अगर टाइम से पहले शेल्टर नहीं पहुंचे तो कोई प्लान बी नहीं है, सीधे मर जाओगे। और रिचर्ड अयाज को अपनी बंदी के बारे में बताता है कि वो उससे इंटरनेट में मिला था और उससे काफी बातें करता था, बट वो उससे कभी पर्सनली नहीं मिला। और वो अयाज को उसकी फोटो दिखाता है, और तभी इनिस पीछे से आ जाती है और वो फोटो देख लेती है, और वो सीधे उस मॉडल का नाम बता देती है जो उस फोटो में थी। एक्चुअली वो फोटो और कोई नहीं, वो किसी प्रोडक्ट एड की फोटो होती है, और रिचर्ड बेचारे का कट जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है। और फिर ये लोग तेरेंजो का डिसाइड करते हैं कि उसका क्या करना है, उसको अपने साथ ले जाना है कि यहीं छोड़ना है, बट फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि उसको अपने साथ ले जाते हैं। और फिर ये जैसे लैंड करते हैं तुरंत फटाक से गाड़ी ढूंढते हैं और शेल्टर के लिए निकलते हैं, और एक कार सिल्वी चला रही होती है और एक कार अयाज चला रहा होता है, और सिल्वी ने अयाज को सब बताया होता है कि रास्ता कहाँ है, कहाँ जाना है। और फिर अयाज एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है, एकदम से बोल सकते हो हैंग हो जाता है, तो गाड़ी जाके सीधे ठोक देता है। और सिल्वी लोग आगे चले जाते हैं क्योंकि टाइम कम होता है और उसको पता होता है कि अयाज को एड्रेस पता है, तो वो लोग सीधे निकल जाते हैं। और अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है तो ये सब भागते हैं, और वहाँ सिल्वी लोग शेल्टर की तरफ पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ के गेट अपने आप बंद हो जाता है। सो ये लोग उसको खोलने जाते हैं, बट उसमें बिजली होती है, तो एक बंदा उसको पकड़ लेता है और वो बेहोश हो जाता है, हालांकि मरता नहीं है, वापस सही हो जाता है। और वहाँ एक बटन मिलता है जिसको दबाए रखोगे तभी गेट ओपन रहेगा। तो अब यहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि अब किसी एक बंदे को वो बटन दबा के रखना होगा ताकि बाकी लोग भी अंदर आ सकें और ये लोग बंकर ढूंढ सकें। तो तेरेंजो इसके लिए राजी हो जाता है, वो बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं सबका वेट करूंगा, बट सिल्वी उस पर भरोसा नहीं करती, तो वो उसको उसी डंडे से हैंडकफ कर देती है जिसमें बटन लगा होता है ताकि हम लोगों को बेवकूफ बना के भाग ना पाए। और इस साइड अयाज इन लोगों को गलत रास्ते ले जाता है, वो रास्ता भूल चुका होता है, और रास्ते में एक इलेक्ट्रिक वायर वाली दीवार मिलती है, तो उसमें अपनी बॉडी ना छुआएं, तो वो कपड़े उतार के उस पे लगा देते हैं, ऐसा ही कुछ अजीब सा लोचा होता है, बट ये सब सही सलामत दूसरी साइड निकल जाते हैं। और सिल्वी लोगों को फाइनली बंकर मिल जाता है, और वो बाकियों को अंदर जाने को बोलती है, और वो अकेले अयाज लोगों को ढूंढने जाती है। और इधर तेरेंजो बाकियों का वेट कर रहा होता है कि वो सब आए और उसको अपने साथ ले जाएं, बट वो लोग तो दूसरे रास्ते जा चुके थे, तो वहां कोई नहीं आने वाला था।
और फिर बहुत ट्राई करता है बट अपने आप को निकाल नहीं पाता और सूरज बस निकलने ही वाला होता है। और फिर सिल्वी को बाकी सब मिल जाते हैं और वो सबको बंकर में ले जाती है और बस सवेरा हो जाता है और तेरेंजो सूरज को देखकर मर जाता है। और ये लोग बंकर के अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं और सिल्वी वहाँ के लोगों से मिलती है। वो लोगों को पता होता है कि सिल्वी की वजह से बाकी सब जिंदा बच पाए, तो वो लोग उससे बोलते हैं कि हमको इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है और हमको तुम्हारी हेल्प चाहिए। बस खत्म, सस्पेंस में रहो। तो गाइस ये थी स्टोरी सीजन 1 की। आई होप यू रियली लाइक इट। सीजन 2 जब भी रिलीज होगा तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं तुरंत दूंगा, तो सब्सक्राइब करे बिना और घंटा बजाए बिना मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। बाय बाय।